पेट्रोल भी डीजल को माल एवं सेवा कर के तहत लाने की स्थिति में 28% की उच्चतम दर के साथ साथ राज्यों की तरफ से कुछ स्थानीय बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर लगाया जा सकता है। इस विषय के साथ नजदीकी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये बात कही कि अधिकारी ने कहा, दोनों ईंधनों को GST के दायरे में लाने से पहले केंद्र को ये भी सोचना होगा कि इनपुट पर क्रेडिट का लाभ न देने से हो रहे 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व लाभ को छोड़ने को तैयार हैं। पेट्रोल डीजल प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल को माल एवं सेवा कर व्यवस्था से बाहर रखने की वजह से इन पर इनपुट कर का क्रेडिट नहीं मिलता। GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। GST के क्रियान्वयन से जुड़े इस अधिकारी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी पेट्रोल डीजल पर शुद्ध GST नहीं लगता, भारत में भी GST के साथ वैट लगाया जाएगा। उसने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को GST में शामिल करना राजनीतिक फैसला होगा और केंद्र और राज्य को सामूहिक रूप से इस पर निर्णय करना होगा। फिलहाल केंद्र की ओर से पेट्रोल पर 19.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 15.33 रुपए प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा राज्यों द्वारा ईंधन पर वैट लगाया जाता है। इसमें सबसे कम दर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है।